हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखिए, आजकल जो ट्रकर्स ऑफ यूरोप 4 की बात चल रही है, यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है, तो सवाल किया जा रहा है कि ग्राफिक्स कैसी होंगी। तो आज मैं आपके लिए वो ग्राफिक्स का एक सिंपल लेके आया हूँ, ठीक है? तो ये गेम है, इस गेम को आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्राफिक्स ट्रकर्स ऑफ यूरोप में कैसी होंगी। ये इस गेम की ग्राफिक्स है। ये आपको लग रहा होगा कि ये ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 है, लेकिन वो नहीं है, ये कोई और गेम है। इस गेम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये गेम है रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ, रियलिस्टिक वाइचल जॉब हर चीज़ ज़बरदस्त है। तो ये है, अभी मैं चलता हूँ, मैं आपको और भी ग्राफिक्स दिखाता हूँ। ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक और ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं, और इसकी MB साइज़ 300 350 है। ये अंदर से है, यहाँ तक तो आपने ग्राफिक्स देख ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ट्रकर्स ऑफ यूरोप 4 कैसी होगी। ये इस तरफ पानी है, मेरे ख्याल से ये पानी है उस तरफ। पानी का रंग नॉर्मल है, अच्छा है, और उसके अंदर एक बहरी जहाज़ नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त गेम है। कैमरा एंगल बिल्कुल ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 के साथ मिलता है। जी आओ, तो ये ग्राफिक्स हैं इसकी भाई। यहाँ पे जॉब हमारी फिनिश होने वाली है। ये दूर दूर तक इसका FPS है, ज़बरदस्त गेम है। ये ग्राफिक्स हैं, क्या ख़तरनाक है यार।
वो होता है कार्यक्रम। अबे भाई यहाँ तक थोड़ा सा गई है। तो भाई ये गेम है जहाँ पे हमारी जॉब होती है फिनिश। तो अच्छी लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप खेल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।